हेलो गाइस वेलकम बैक टू आर इंग्लिश क्लास टुडेज़ वी आर गोइंग टू रीड सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश फॉर एट क्लास बुक एन एलियन हैंड टुडेज आर टॉपिक इज चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर टाइनी मीन्स स्मॉल यानी कि छोटा टीचर कह सकते हो या मीन छोटा जो सिखाने वाला let's start our chapter though so very small the ant is unbelievably intelligent and hardworking among the various kinds oh, uh, the commonest ant is black or red ant live in comfortable homes called anthill. Ant hill second meaning uh, is dune like bombi though uh, so very small yad pi hai choti द एंट इज़ अनबिलीवेबली अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट जो चीटी है अनबिलीवेबली यानी अविश्वसनीय ढंग से इंटेलिजेंट uh, जो बुद्धिमान एंड हार्ड वर्किंग और जो कठेर परिश्रमी है यानी कि uh, जो चीटी है मतलब है बहुत छोटी लेकिन अवि अविश्वसनीय तौर पर uh, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और जो कठोर परिश्रमी है अमंग द वेरियस काइंड द कोमनेस्ट एंड इज़ ब्लैक और रेड चीटी की जो वेरियस काइंड्स यानी विभिन्न जो किस्में होती हैं उनमें से जो कॉम्नेस्ट कह सकते हो तो जो सामान्य तौर पर जो चीटी है वो काली और लाल होती है एंड्स लिव इन कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल और जो चीटी है वो जो कम्फर्टेबल यानी जो आरामदायक जो घर है उसमें रहती है जिसे मतलब क्या बोला जाता है एंथिल डून यानी बॉम्बी कहते हैं Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No. Is. Uh, it isn't. It's a short form. Is not. And distance. Uh, it's a short form. Is not. It uh, isn't. Now, It isn't. It is the mosquito. No. Not the mosquito. Then it must be the worm. No. None of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant, ant's life sound almost untrue, but people have kept ants as pet, pets and have watched their daily behavior closely. So, we know a number of facts about the tiny, hard working, and intelligent creature. Name the smallest insect you have seen. So, you have इंसेक्ट uh, यानी जो इंसेक्ट मीन्स होता है कोई भी जीव कीड़ा मकोड़ा हम कह सकते हैं कि आपने जो uh, सबसे जो छोटा जीव जो देखा है उसका नाम बताएं एंड द वाइजेस्ट वो बुद्धिमान भी जीव हो इज इट द फ्लाई यानी कि इज इट द फ्लाई फ्लाई इज द मीनिंग ऑफ लाइक एंट मक्खी जिसको बोला जाता है क्या वो मक्खी है नो इट इज नहीं ये मक्खी नहीं है इट इज़ द मस्कीटो क्या ये मच्छर है क्या वह है मच्छर है नो नॉट द मस्कीटो नहीं वो मच्छर नहीं है देन इट मस्ट बी वॉम तो अविश्य ये क्या होगा वॉम मीन्स कीड़ा होगा नो ऑफ दिस नहीं इनमें से कोई भी नहीं इट इज द एंट यह एक चीटी है द कॉमनेस्ट सामान्य तौर पर सबसे सामान्य सामान्य तौर पर द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट यानी सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान जो जीव द स्टोरी ऑफ एन एंड लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अन्यू द स्टोरी ऑफ एन एंड लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अन्यू यानी जो चीटी की जो लाइफ की जो कहानी है स्टोरी है ऑलमोस्ट अन यानी कि वो एक तरीके से उसकी जो साउंड है एक तरीके से कह सकते हैं वो लगभग अनट्रू यानी कि असत्य सी लगती है जान पड़ रही है बट पीपल हैव कैप एंड्स एज बैट एंड हैव वॉज देयर डेली बिहेवियर क्लोजली लेकिन जो लोगों ने मतलब कैप्टेंट्स एज पैट यानी लोगों ने जो चीटियों को एज पैट्स यानी पालतू रखते हैं या मतलब पालतू बनाकर रखा है एंड हैव वॉज देयर डेली बिहेवियर क्लोजली और एंड वॉज देयर डेली बिहेवियर क्लोजली और जो कह सकते हैं बिहेवियर क्लोजली यानी निकटता से उनके जो व्यवहार को परखा है जाना या निहारा है कह सकते हैं सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइन ही इसलिए हम जो छोटे से जो कह सकते हैं हार्डवर्किंग परिश्रम एंड इंटेलिजेंट जो क्रिएचर यानी जो बुद्धिमान जो क्रिएचर है सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट यानी इसके बारे में बहुत सी बातें जानते हैं एंड एंड्स यूज द फीलर्स एंड एंटीना टू टॉक टू अदर्स अदर एंड्स बाई पासिंग मेसेज थ्रो दैम वो चे रो एंड अप और डाउन द वॉल ईज एंड स्क्रीट ऑल द अदर्स कमिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देर फीलर्स डिस्टेंस यहाँ पे मैंशन किया गया है लाइक दिस जो ये एक दूसरे के साथ टच कर रही है इट्स कॉल एंटीना फीलर्स हैडरस्टूड लाइक दिस दिस इज अक कह सकते हैं हम कि सपर्सक यानी कि एक दूसरे से छूने से मतलब ये क्या करती है कि अपनी जो कह सकते क्रियाएँ या कह है सकते हैं अपनी कहने की जो फीलिंग्स uh, है या मीन भावनाएं हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ व्यक्त कर लेती इनको इन आपस में टच करने से एंड एंड्स यूजेज इट्स फीलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर एंड्स बाई पासिंग मैसेज थ्रो दैम एक जो चीटी है मतलब अपने फीलर्स और एंटेना को uh, टोक बताने के लिए अदर एंड्स यानी दूसरी जो चिटियों को आ, कुछ बताने के लिए अपने फीलर्स और जो एंटीना से उनको यूज करती है बाई पैसिंग पासिंग मैसेज यानी उनको मैसेज थ्रो करने के लिए एक तरीके से उनकी आ, आ, संदेश देकर उनको बताने के लिए यानी कि इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो चींटी होती है वो आ, अपना मैसेज दूसरी दूसरी जो चिटी को देने के लिए या बताने के लिए अपने फीलर्स और एंटीना को यूज करती है वो चेरोस मूविंग अप और डाउन मतलब एक जो रो पंक्ति है जो मतलब ऊपर और नीचे जा रही है दीवार पर उसको देखो एंट सॉरी ईच एंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर ईच एंड प्रत्येक जो सीटी है ग्रीट्स यानी अभिवादन करना एक तरीके से आवा भगत करना यानी अभिवादन कर रही है ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन जो मतलब दूसरी दिशा से आ रही जो चीटियाँ हैं उनका बाई टील अपने फिलर के साथ यानी कि प्रत्येक जो चीटी है जो अपोजिट भी जो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा से आ रही चीटियों का अभिवादन करती है अपने फिलर्स को टच करने के साथ देर आर मैन काइंड ऑफ फेंट्स चीटें जो कई प्रकार की होती है द कॉम्युनिस्ट अमंग आर द ब्लैक और रेड वंस और उनमें से जो सामान्य तौर पर जो चीटी है वो काली और लाल होती है

Uh, उनका जो कंफर्टेबल जो होम्स है यानी जो आरामदायक जो घर है उन्हें घोंसला कहा जाता है या एंथिल्स कहा जाता है uh, यानी इन दोनों में से वो क्या कहा जाता है ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटल्स रूम एंड पैसेजेस जो प्रत्येक जो चिटी है उनके जो हंड्रेड जो छोटे छोटे जो रूम्स होते हैं और पैसेज uh, कह सकते हैं कि uh, uh, जो रास्ते कह सकते हैं यानी कि छोटे छोटे जो सैकड़ों जो घर और जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंड लेस एग्ज इन समीज रूम से यानी इन रूम में से कुछ जो जो चीटियाँ हैं क्विन एंट लेस एग्जी जो उनमें से जो रानी जो चीटी है क्वीन एंड यानी रानी जो चीटी है अंडे देती है अदर आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स उनमें से जो अन्य जो है नर्सरीज फॉर यंग वंस नर्सरीज बनाई गई है यंग वंस यानी छोटे जो बच्चों के लिए जिसे मतलब ग्रब्स बोला गया है वर्कस हैव देअर रिजर्व क्वार्टर्स और जो वर्कर्स हैं यानी जो आ, कामगार है या काम करने वाले हैं कामगार जो छिटियाँ उनके लिए जो मतलब रिजर्व क्वार्टर यानी एक तरीके से रिजर्व क्वार्टर बोलते हैं आरक्षित जो घर हैं वो उनके लिए आ, बनाए गए हैं दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दैम टाइम सर्चिंग फॉर फूड सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड सोल्जर्स हैव सेपरेट बार एक्स Barracks. Uh, no worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier, ha no soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a garb. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intellig intelligently and bravely and never fights. विद अदर मेम्बर ऑफ द ग्रुप दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड उनमें से वो अपना ज़्यादातर जुश्मे है जो भोजन की तलाश में लगे में तलाश करने में लगे रहते हैं सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड और उनमें से जो कुछ जो घर है स्टोर हाउस यानी भंडार ग्रह है, बोलते हैं फॉर दिस फूड यानी जो भोजन वो कलेक्ट करके लेके आते हैं उसके लिए भंडार ग्रह के रूप में उसको यूज़ करते हैं सोल्जर्स हैव सेपरेट बारैक्स जो सैनिक सोल्जर्स शैन, हैं उनके लिए जो अलग अलग जो सैनिक कक्ष हैं बैरक्स हैं नो वर्कर्स हैज आवर ट्राइट टू लिव इन अ सोल्जर हाउस और जो कोई भी जो वर्कर जो चिटी है उसने कभी भी कोशिश नहीं की सोल्जर हाउस के ये सोल्जर हाउस में जाने की नो सोल्जर आवर एवर आउट सर्चिंग फॉर फूड और कोई भी जो सोल्जर्स हैं वो मतलब कभी भी सर्चिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश के लिए नहीं जाते नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ ग्रब नो वर्कर यानी जो काम करने वाले जो सोल्जर है क्लीनर है उन्होंने कभी भी ग्रब यानी जो छोटे जो लार्वा है उनको कभी भी हानि नहीं पहुँचाई सो so यू सी इसलिए आपने देखा एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल यानी कि जो चीटी की जो का जो जीवन है बहुत ही पीसफुल है शांत होता है हिस् डज इट्स सेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नैवर फाइट विद अदर मैंबर ऑफ द ग्रुप इसलिए जो प्रत्येक जो सीटी है ई चैंड यानी प्रत्येक जो सीटी डज इट्स सेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंट यानी जो अपना जो पूरा जो काम है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमतापूर्वक एंड ब्रेवली और बहादुर बहादुरी पूर्वक करती है एंड नैवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और कभी भी मतलब जो अपने आ, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं यानी जो समूह के जो सदस्य हैं उनके साथ कभी भी फाइट नहीं करती हैं डिशन कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट इज कम्प्लीट देर इज अ थ्री क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट एंड ट्र्यू देर इज अ आंसर द इटेल फ्रिज मीन्स टू मार्केबल टू बी ट्र्यू कम्प्लीट द फ्लोइंग डर स्टूडेंट्स लेट्स हेयर बहुत क्वेश्चन जो है आपको अपने आप करने हैं यानी सेल्फ आपको करना है एंड देर इज अ थर्ड क्वेश्चन इन वट वेज इन द एंडस लाइफ पीसफुल यानी कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे मतलब जो एंड्स की जो लाइफ है वो शांतिपूर्वक रही है uh, क्या क्या रास्ते रहे हैं डियर स्टूडेंट्स जैसे कि मतलब वो अपना इंटेलिजेंटली ब्रेवली जो वर्क करती वो कभी किसी के साथ फ़ाइट नहीं करती और किसी भी समूह के सदस्य उनको हानि नहीं पूछाती तो देन वो आप इसमें लाइक फील कर सकते हो या एक तरीके से उसमें फाइंड आउट कर सकते हो मैंने आपको हिंट्स दे दिया आप इसको uh, फाइंड आउट करके मुझे सेंड करें पार्ट सेकंड चेक पार्ट सेकंड द क्वीन एंड अ पेयर ऑफ विंग्स विच सी ऑफ बिफोर सी बिगन टू एग्स eggs hatch and become scraps, grubs uh, change into cocoon and cocoon become into bring uh, forth complete ants. The life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. Uh, the queen ant has a pair of wings. यानी जो रानी जो चीती होती है वो क्या कि उसके एक जो पंक जोड़ी पंक होती है एक जोड़ी पंक होते हैं हैपेर ऑफिंग यानी कि जो 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 पंख होते हैं विच सी काशोफ जिसको मतलब वो क्या कर देती है उतार देती है एक तरीके से तोड़ देती है बिफोर सी बिगेंस टू ले एग्स जब मतलब वो अंडे देना शुरू करने से पहले बिफोर सी बिगेंस लेग्स यानी अंडे देना शुरू करने से पहले वो अपने पंखों को काशोफ यानी उतार देती है काट देती है एग्स हैज बिकम ग्रब्स और जो अंडा है वो उसमें से क्या यानी कि एक तरीके से आ, लार्वे से निकलते हैं ग्रब्स मीनस लार्वा ये छोटा कह सकते हैं ग्रब्स चेंज इन टू कोकन और जो ग्रब्स है यानी कि लार्वा कोकोन से निकलते हैं एंड कोकोन ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स और जो कोकोन है जब मतलब वो एक तरीके से ब्रेक टूट जाते हैं तो उनसे पूरी uh, जो चिटी वो बाहर निकलती है द एन्ट ऑफ एन ऑर्डनरी एंड सॉरी द लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी एंड इज द एंड हिल इज बुक विच मीन मैनी ऑफ अ सेल्डम ओपन the end, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी एंट यानी कि जो एंट है जो एक तरीके से जो बॉम्बी है उसमें जो चिटी का जो जीवन है लाइफ uh, है वो एक ऑर्डनरी कह सकते ऑर्डनरी यानी कि चिटी का जो एक जो जीवन है इज अ बुक विच यानी कि ऐसी किताब की तरह है विच मैनी ऑफ अ सेल्डम ओपन यानी जिसे हम जो कह सकते हैं कि सेल्डम ओपन इन कभी कभी ही खोलते हैं उस बुक को कभी कभी हम मतलब तो उसको ओपन करते हैं या उसको लाइक मेजर करते हैं द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी इट लिव्स फॉर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स द क्वीन इज द मदर ऑफ द थ्री द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी जो रानी चिटी है वो मदर होती है इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी यानी जो Uh, कह सकते पूरी uh, जो कॉलोनी की यानी बस्ती की जो पूरी सीटियाँ uh, हैं इंटायर पॉपुलेशन है उनकी uh, क्या होती है वो माँ होती है इट लिव्स फॉर अबाउट फिफ्टीन इयर्स और ये जो लगभग uh, कह सकते हैं पंद्रह सालों तक तो या पंद्रह वर्षों तक तो जो जीवित रहती है इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स उसे एक पंखों का uh, जोड़े होते हैं बट बाइट्स दम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट लेकिन जो वेडिंग फाइट यानी वैवाहिक कह सकते हैं जो उड़ान है उसके बाद वो कर क्या कर देती है मतलब उनको काट काट देती है एक तरीके से उनको उतार देती है दिस फाइट सॉरी दिस फ्लाइट वेडिंग फ्लाइट दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे ये जो फ्लाइट होती है यानी एक जो उड़ान होती है टेक प्लेस ए हॉट समर डे यानी गर्मी के जो दिन होते हैं uh, ग्रीष्म ऋतु के जो दिन होते हैं उसमें उस जो गर्म दिन में होती है द द्वींस लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड और ड्रॉन हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स स्टीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स द क्वीन लीव्स द नेक्स्ट यानी जो रानी जो चीटी है वो क्या करती है कि अपने दो घोसले को छोड़कर एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड और एक जो नर जो चीटी है उसे मिलने के लिए उड़ जाती है और ड्रोन हाई अप इन द एयर यानी जो एक तरीके से हवा में बहुत ऊँची जाती है ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स स्विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ यानी धरती पर लौटने तक इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स अपने जो पंखों को उतार देती है या अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है एंड देन डज नॉट नथिंग बट ले एग्स लेकिन uh, यानी अंडे देने के सिवाय वो नथिंग यानी कुछ भी काम नहीं करती है एक्स हैज एंड कम आउट सोल्जर्स गार्ड दैम वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइन एक्साइज द ग्रब्स कम आउट और जो अंडे हैं उनसे मतलब जो ग्रब्स हैं वो बाहर आते हैं सोल्जर्स गार्ड हैं, सोल्जर जो सैनिक हैं उनकी रक्षा करते हैं वर्कर फीड एंड क्लीन डैम जो वर्कर्स हैं वो यानी कि वहाँ पर जो काम करने वाले श्रमिक हैं वो उनको भोजन देते हैं और उनकी क्या करते हैं साफ सफाई करते हैं एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइन और प्रतिदिन उन्हें जो एयरिंग यानी हवा में एक्सरसाइज करने के लिए यानी योगा व्यायाम कराने के लिए और सुनसन जैन धूप लगाने के लिए उनको बाहर ले जाती है यानी ये गतिविधियाँ उनको वो करती रहती है टू तो और थ्री वीक्स लेटर ग्रव्स भी कम कोकन और दो तो या तीन तीन वीक्स के बाद मतलब जो गर्व्स हैं वो कूकन में तब्दील हो जाते हैं एक तरीके से चेंज हो जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स मोर और जो कोकन सब मतलब लाइव विदाउट यानी पढ़े रहते हैं बिना खाने और बिना कोई एक्टिविटी के तीन महीने तक द कोकुन ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर तब मतलब जो कोकन टूटता है और उसमें मतलब एक जो परफेक्ट जो चीटी है वो बाहर निकलती है नाउ इट्स टाइम टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग और अब जो इस जो समय है टीचिंग अब जो इस समय जो टीचिंग और ट्रेनिंग का शुरू होता है यानी सीखने का और सिखाने का प्रशिक्षण का कह सकते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण का समय शुरू होता है न्यू एंडस लर्नस देयर ड्यूटी फ्राम ओल्ड एंड एज वर्कर्स सोल्जर्स बिल्डर्स क्लीनर्स एक्सेट्रा डिफेंस हेयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्राम ओल्ड एंड एज अ वर्कर सोल्जर्स बिल्डर्स क्लीनर्स एक्सेट्रा यानी कि जो नई जो चीटियाँ हैं वो आ, क्या करती हैं कि आ, जो ओल्ड एंड्स यानी पुरानी चीटियों को, को Uh, जैसे वर्कर्स हैं सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं इस तरह के जो काम है वो उनको क्या करती है ट्रेन करती है उनको सिखाती है लर्न करती है आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग और कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल एंड आर रेडी टू गो आउट इंटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क और जो थोड़े समय की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी जो चीटी है तैयार हो जाती है गो आउट इंटू द बिग वर्ल्ड फॉर वर्क यानी कि जो इससे बड़े से संसार में या बड़े से मतलब जो दुनिया में बाहर निकलने के लिए अपने काम के लिए तैयार हो जाती है डिफरेंस आज के लिए इतना ही आ, आप इसको कंप्लीट करें पर तो डिस्टरेंस ये हो ही जाएगा लेट्स सी इज होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर बीटल रीचर लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई वाई डू यू वाई डू एंट्स वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देअर ने एंटिल यानी जो एक बॉम्बी होती है यानी जो कह सकते हैं एंटिल है इस होम नॉट ओनली फॉर एंटी यानी कि केवल चीटियों का घर नहीं होता बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर ये मतलब कुछ जो अन्य जीव है उनके लिए होता है जिसमें क्या होता है बीटल्स होते हैं जिनको ब्रिंग बोला जाता है लेजर ब्रिड्स हैं लाइक लेजर ब्रिड्स एक चीटी की जो प्रजाति है ऑफ ब्रिड्स एंड द ग्रीन फ्लाई और जो ग्रीन uh, फ्लाई है उनका वाई डू एंट वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन दियर नेस जो चिटियाँ हैं मतलब एलियन क्रिएचर यानी जो परजीवी uh, जो क्रिएचर्स हैं उनको मतलब इस नेस्ट में एक तरीके से कह सकते हैं कि uh, निवास क्यों कर क्यों चाहती है फॉर सेवरल रीजन उसके मतलब कुछ कारण उस वक्त सम गिव ऑफ स्मेल्स प्लीजेंट ऑफ द एंट्स Uh, कुछ जो मतलब जो स्मेल uh, से यानी गंद है uh, वो छोड़ते हैं सेंट के लिए सेंस सेंट्स अदर गिव्स स्वीट जूस और उनमें से कुछ जो uh, ने जो मीठा जो रस प्रदान करते हैं एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सम आर जस्ट पैट उनमें से कुछ पालतू तो है uh, जैसे मतलब uh, कुत्ते और जो बिल्ली हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए वैसे ही द ग्रीन फ्लाई इज़ एंड्स काव और जो ग्रीन फ्लाई uh, को इसमें एक जो काव uh, uh, यानी कि uh, चीटियों की जो गाय माना गया होती है द एन्ट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंटीना और जो एंट है मतलब वो ट्रेन करती चीटियाँ मतलब जो ट्रेन करती इसको uh, कि जो एंटीना का जब पस, जब स्पर्स करते हैं uh, यानी टच दियर एंटीना यानी एंटीना का जब वो स्पर्स करके uh, जो हनी like uh, the ड्यू है यानी जो लाइक मिल्क यानी जो दूध है या मधुर है उसको कह सकते हैं उसको उसको प्रदान करने में उसको ट्रेन करती है दे मिल्क इट जस्ट वी मिल्क द काओ दे मिल्क इट जस्ट एज मिल्क द काओ वो मतलब इसी प्रकार से दूध देती जैसे मतलब गाय हैं वो दूध देती वैसे ही जैसे हमारे लिए गायें दूध दे, देती वैसे ही वो चीटियों को मतलब जो जो मिल्क प्रदान करवाती है Uh, have humans learn as much as ants have perhaps they have but they haven't pulled their learning to good use they have still learned a few things from this tiny teacher hard work sense of duty and discipline clean lines care of young ones and above all a firm loyalty uh, to the land where they live where they live sorry हैव ह्यूमस लर्न एज मच एज एंड्स हैव यानी जो कुछ जो uh, मानव प्रजाति है मनुष्य हैं उन्होंने uh, चीटियों से मतलब काफ़ी ज़्यादा की जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया है या कह सकते चीटियों से जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है प्र तो दे हैव शायद मतलब हाँ या कह सकते शायद इसलिए बट

जैसे कि हार्ड वर्क एंड यानी कटीन सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन यानी कि सेंस ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन सेंस ऑफ ड्यूटी मीन्स कर्तव्य निष्ठा बोलते हैं जिसको कर्तव्य निष्ठा और जो uh, अनुशासन है वो क्लीन लाइन मीन्स जो स्वस्था है केयर फॉर यंग वंस अपने से जो छोटों की जो देखभाल है यानी छोटे जीवों की देखभाल एंड अब ऑल और ऊपर सबसे ऊपर अफीम लॉयल्टी ऑफ द लैंड वेयर दे लिव यानी कि जिस लैंड पर यानी जिस भूमि पर वो रह रहे वहाँ की उसके ऊपर मतलब लॉयल्टी करना यानी एक तरीके से स्वामी भक्ति रखना जिस पर वो रहती है डिस्टेंस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है कम्प्रीहेंशन चेक के कुछ, कुछ क्वेश्चन हैं फाइव क्वेश्चन ये एंड दैट थ्री क्वेश्चन वो आपको फाइंड आउट करके मुझे सेंड करने हैं एंड दैट उसके बाद आपके पास इनके आंसर वो है दे दिए जाएंगे थैंक यू